हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, अरविंद कंपनी की मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने मार्च में कैसी परफॉर्म किया, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहां कहां पे कंपनी ने डिटोरिएट किया है, और क्या अभी आप लोग को ये कंपनी बाय करना चाहिए या नहीं, एंड अगर करना चाहिए तो किस प्राइस पॉइंट पर करना चाहिए, एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट के कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आई गेस आप में से बहुत कम लोग इस कंपनी के बारे में जानते होंगे। डोंट वरी, मैं सब कुछ डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा रिगार्डिंग दिस कंपनी। अगर कंपनी की बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनी है एंड 80 साल हो चुकी है इस कंपनी को इस बिजनेस में आए हुए। इट इज़ अमंग द लार्जेस्ट डेनिम मैन्युफैक्चरर्स इन द वर्ल्ड, एंड डेनिम के साथ साथ कंपनी क्या क्या मैन्युफैक्चर करती है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप लोग कंपनी के बारे में कोई भी चीज़ डिटेल में जानना है तो कंपनी के वेबसाइट में जाकर आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। कंपनी बहुत BSE एंड NSE में लिस्टेड है। 2612 करोड़ के आसपास की कंपनी की मार्केट कैप, 10.6 की PE है, 11.8% है कंपनी की ROC एंड 8.71% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है। सेल्स ग्रोथ 4% है। बुक वैल्यू से काफ़ी सस्ते में आप लोगों को मिल रही है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है। फेस वैल्यू 10 रुपये की है एंड प्रोमोटर्स की होल्डिंग 7.39% प्लेज रखा है। अगर प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो पहले प्रोज चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इसकी आप लोगों को बुक वैल्यू से काफ़ी सस्ते में मिल रही है एंड सेकंड पॉइंट एक बैकडेटेड पॉइंट है क्योंकि मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट आउट हो चुकी है और मुझे नहीं लगता अभी से स्क्रीनर वाले जो है वो जून क्वार्टर को प्रेडिक्ट कर रही है। अगर कॉन्स में देखा जाए तो लास्ट 5 साल की सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में जा चुकी है एंड लास्ट 3 साल की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 4.5% के आसपास निकल के आ रही है, जो कि 3 साल की कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा कम है। और अगर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो पहले इन टर्म्स ऑफ सेल्स देख लेते हैं। तो पहले इन टर्म्स ऑफ सेल्स में आप लोग यहाँ पे साफ देख सकते हो दिसंबर से कम सेल्स दिखाई है कंपनी ने, एंड अगर मार्च 2021 के कंपैरिजन में देखा जाए तो यहाँ पे काफ़ी सही ग्रोथ आप लोगों को देखने को मिल रहा है। और वहीं पर अगर इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट में भी सेम मार्च क्वार्टर के कंपैरिजन में काफ़ी सही ग्रोथ आप लोगों को देखने को मिल रहा है। और वहीं पर अगर दिसंबर 2021 के कंपैरिजन में देखा जाए तो कंपनी ने मार्च 2022 में दिसंबर 2021 के कंपैरिजन में कम प्रॉफिट दिया है। और अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो 2022 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने 2021 की कंपैरिजन में इन टर्म्स ऑफ सेल्स एंड इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट दोनों में ही काफ़ी सही जंप दिखाई है। और इनफैक्ट 2021 की फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने लॉस भी दिया था। अगर कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करें तो बैलेंस शीट में बहुत ही सही इंप्रूवमेंट है, तो ये आप लोगों को नजर आ जाएगी। कंपनी ने रिजर्व को इंक्रीज करके डेट को रिड्यूस किया, जो कि अपने आप में बहुत ही सही चीज़ है किसी भी कंपनी के लिए। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो रिजर्व की काफ़ी कम है, रिजर्व की कंपैरिजन में काफ़ी कम कंपनी के पास डेट रहने वाली है। अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो प्रोमोटर्स एंड FIIs दोनों ने अपनी होल्डिंग कम किया इन मार्च क्वार्टर, और वहीं पे DIIs ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ कर दिया इन दिस कंपनी। अगर पब्लिक में देखा जाए तो 2 बड़े रिटेलर की होल्डिंग है इस कंपनी में। अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज़। तो गाइस मैं आप लोग को यही बोलूँगा, शॉर्ट टर्म के लिए मत जाओ, जाना है तो लॉन्ग टर्म के लिए जाओ। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बेहतरीन कंपनी है एंड इट इज़ अमंग द लार्जेस्ट डेनिम मैन्युफैक्चरर्स इन द वर्ल्ड। मतलब ये कंपनी बाहर एक्सपोर्ट भी करती है एंड एक्सपोर्ट की जो रेवेन्यू है वो भी मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ 56% रेवेन्यू इंडिया से आती है, बाकी 44% बाहर एक्सपोर्ट होते हैं। यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो की मार्केट्स है USA, UK एंड यूरोपियन यूनियन। और भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्या क्या है कंपनी की बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ कहाँ पे है, डिमर्जर, सब कुछ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। मतलब बहुत ही सही कंपनी रहने वाली है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज़। आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर करके चल सकते हो। अभी कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करते हैं एंड देखते हैं कि जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए पोजिशन बनाना चाहते हैं उन लोगों के लिए एक आइडियल प्राइस पॉइंट कहाँ पर निकल के आ रही है, एंड उसके साथ साथ हम लोग स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में भी अभी डिस्कस करेंगे। तो गाइस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। पहले उन लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं जो लोग इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं। तो देखो गाइस, अभी जिस प्राइस पॉइंट पे आप लोगों को मिल रही है ये कंपनी, वो भी बहुत ही बढ़िया प्राइस पॉइंट है, लेकिन मैं आप लोग को ये बोलूँगा 85 रुपये के लेवल तक आप लोग वेट कर सकते हो। अगर 85 रुपये के लेवल पर मिल जाती है ये कंपनी तो और भी बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए। ये तो हो गया जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं उन लोगों के लिए आइडियल प्राइस पॉइंट क्या। अभी डिस्कस करते हैं कि स्विंग ट्रेड कैसे प्लान करना है इस कंपनी में, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो देखो अभी कंपनी 99 की जो सपोर्ट है यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाने की प्रयास कर रही है, हो सकता है यहाँ से कंपनी स्लिप कर जाए। अगर कंपनी यहाँ से स्लिप कर जाती है तो आप लोगों का जो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा वो रहेगा ऑलमोस्ट 85 to 86 रुपीज़ के बीच में। तो जब कंपनी यहाँ से बाउंस बैक देगी, बाउंस बैक कंफर्मेशन के बाद आप लोग बाइंग प्लान कर सकते हो फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ 99 to 100 रुपीज़, सेकेंड टारगेट रहेगा 112 रुपये के आसपास की। और वहीं पर अगर कंपनी यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस बैक शो कर देती है तो बाउंस बैक कंफर्मेशन के बाद आप लोग बाइंग प्लान कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट होगा 112 रुपये का, सेकेंड टारगेट होगा 125 रुपये का, थर्ड टारगेट होगा 139 रुपये का। यहाँ पे आप लोग सभी के सभी
अभी लेवल्स देख सकते हो। और अगर बाई चांस 85 रुपये के लेवल से स्लिप कर जाते हैं, जिसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है, मतलब 5% बोल सकते हो आप लोग, लेकिन स्टॉक मार्केट में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है इसलिए मैंने बोल दिया, अगर यहाँ से स्लिप कर जाती तो आप लोग 77 की लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस कंपनी। और जब कंपनी ऐसे बाउंस बैक लेगी तब बाउंस बैक कंफर्मेशन के बाद बाइंग प्लान कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट ये रहा, सेकंड टारगेट ये एंड थर्ड टारगेट ये, एज सिंपल एज दैट, कोई भी यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन एंड वन कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज, एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।